हाँ कंचन बोलो। मासी कहाँ हैं आप? बात अब हद से निकल चुकी है कंचन। नियति इस गुरुजी की मदद से खुद को मुझसे भी ज्यादा पावरफुल समझने लगी है। मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगी। लेकिन कैसे? क्या करने वाली हैं आप? मैं उन गुरुजी के खिलाफ तंत्र की सबसे खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल करने जा रही हूँ, इसलिए मुझे शमशान जाना पड़ेगा। आप जो भी कर रही हैं मासी, प्लीज बी केयरफुल, पुलिस आपको ढूंढ रही है। ये काम भी नियति ने किया होगा। तो पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है, मुझे दूसरा रास्ता लेना होगा। अरे गाड़ी पीछे लीजिए। हेलो, मुझे यहां से निकलना है। उबे सर, गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। भाग गया, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जल्दी से एक टीम भेजो आसपास के इलाके में छानबीन करने के लिए। जी सर। पुलिस हर जगह मेरी तलाश कर रही है। आज तो मैं किसी तरह बच गई, लेकिन वो गुरुजी जो नियति की मदद कर रहे हैं, उन्हें कौन बचाएगा सुदामिनी से? जय ए रुक जा। तुम्हारी तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। देखो ये जड़ी बूटी वगैरह सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। पापा, आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, और ये कफ तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सर्दी हो गई है ना। मैं दवाई ले रही हूँ, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। पृथ्वी अंकल, मुझे लगता है नियति को बाहर खुली हवा में थोड़ी वॉक करनी चाहिए, इसे अच्छा फील होगा। तुम फिर आ गए अक्षर, घर जाकर आराम क्यों नहीं करते हो? सारा वक्त यहाँ क्यों घूमते रहते हो? वो आंटी, मैं नियति का हालचाल पूछने आया था। अब वो ठीक है तो मैं चलता हूं। कमाल, जिसे मेरी बेटी की फिक्र होनी चाहिए वो उस पे नजर गड़ाए बेटी, और जो कम से कम मेरी बेटी की फिक्र कर रहा है उसे डाटा जा रहा है। नियति, तू सो जा बेटा। और एक चीज और, अगर दो दिन में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई
तो पापा तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो सो जाओ आराम से। माँ यही है, मैं बाहर नहीं जा सकती। तीसरी काली रात है आज। उस तंत्र वाली जगह का पता लगाना बहुत जरूरी। सौदामिनी धमकी देकर गई है, पता नहीं अब क्या करेगी वो। शमशान की काली शक्तियों को जगाना होगा मुझे। मैं अपने तंत्र को यूं जाया होते नहीं देख सकती। शमशान की काली शक्ति। पुकार सुन ली है इन शक्तियों ने, अब उस बाबा का खेल खत्म। तुम घर नहीं गए, कैसे चले जाता गुरुजी? आज तीसरी काली रात है और मेरी नियति के पास अब सिर्फ 4 दिन और बचे। जैसा नियति कहे हमें करना होगा गुरुजी। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूं अक्षत, लेकिन आज नियति के बिना ही हमें तंत्र खोजना होगा। तो ठीक है गुरुजी, हम चलते हैं। मुझे कुछ समय दो ध्यान लगाने के लिए, ताकि मैं शक्तियों का आवाहन कर सकूं। जय महाकाली। ओमें भीम क्लीम चामुंडाय विच्चे।
मैं कह रहा हूं ना, ये जो है ना टेंडर वेंडर ना बस माया है, मेरा मतलब फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी। अरे काम तो हम दोनों को ही करना है, मैंने कह दिया ना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहां पर सब कुछ संभाल लूंगा। अगर इसने मुझे देख लिया तो उस बाबा के साथ आज ये भी जिंदा नहीं रहने वाला। कमाल है, लोग यहां गेट खुला रखकर सो रहे हैं आराम से। ए, कौन है? पता नहीं क्यों ऐसे कुछ लगा कि कोई यहां था। आप दो दिनों से सोई नहीं है, आप सो जाइए प्लीज। मुझे अपना ख्याल रखना आता है, अपने घर का भी और अपने परिवार का भी है। तो बुखार है। आप आइए बैठिए, मैं खुद बैठ लूंगी। मैं जानती हूं आप अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो कम से कम उन्हीं के लिए दवाई खा लीजिए प्लीज। ये पानी नहीं पीऊंगी, दूसरे ग्लास में मेरे सामने पानी भरो। मेरे सामने ग्लास में पानी भरो।
यहाँ है। यहाँ क्या करने आई है तू? तुम्हारे काम को रोकने और इसके बाद तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने के लिए। तेरे बस की बात नहीं है वो। ऐसा कुछ नहीं जिस पर सौदामिनी का बस ना चल सके। नियति की मदद करने आया था बेचारा, अब इसे मुझसे कौन बचाएगा? ठीक है, अब जाओ, जाकर सो जाओ। दवाई के असर से अब इस हालत में आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे और इस बात का फायदा मुझे उठाना ही पड़ेगा। आपसे ही सीखा है अपनी फैमिली का ख्याल रखना, बस वही करने जा रही हूँ। गुरुजी, मैं आ गई। गुरुजी, 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 तो शमशान के काले जादू जैसा लग रहा है। गुरुजी तो ऐसा नहीं करेंगे। इसका मतलब सौदामिनी आई थी। अनियति, अक्षय, जरूर कोई गड़बड़ है। गुरुजी अपने रूम में नहीं है। मुझे लगता है कि सौदामिनी यहाँ आई थी। I know. मैं उसी के पीछे जा रहा हूँ। क्या? हाँ, मैंने मैंने सुदामिनी को अंदर जाते हुए देखा था। और जब वो थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो गुरुजी को साथ लेके जा रही थी। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब वो गुरुजी को साथ लेके जा रही थी उस वक्त गुरुजी बेहोश थे। कहाँ गई है वो? शमशान घाट। अभी अभी अंदर आई है वो गुरुजी को लेके।
अक्षत तू प्लीज वहीं रहना और देखते रहना कि वो क्या कर रही है। अगर भगवान ने चाहा तो सौदामिनी हमें खुद बताई जलसा में उसने कौन सी जगह काला जादू किया। ठीक है, मैं यहीं पे आ जा। गुरुजी को मारना दे।